वृत्तियाँ जो है शांत हो जाए तो समझो हमें पूर्ण गुरु मिल गए। तो कहते हैं एक आदमी गंगा स्नान करने जाता, साल बाद गंगा में मेला लगता ना हरिद्वार में, वो जाता था। उसके मन की श्रद्धा थी तो ठीक है, मैं और तो मेरे से कोई भजन भक्ति होती नहीं, साल बाद गंगा स्नान कर लेता हूँ। और एक उसने प्रण कर रखा था, कहते प्रण ये कहा कि जिसने गंगा स्नान ना किया हो उसके घर का मैं खाऊंगा नहीं, उसके घर का जल भी नहीं मुंह लगाऊंगा। तो एक बार क्या हुआ, गंगा स्नान करके आया, रास्ते में अंधेरा पड़ गया, कुछ साधन मिला नहीं, रास्ते में कुछ संत कुटिया थी उनकी, उनके पास गया, क्या बाबा जी आधी रात हो गई, अंधेरा है और घर जाने का कोई साधन नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी कुटिया में रहने की मेरे को आज्ञा हो तो आपके पास मैं रह सकता हूँ। कहते हाँ बेटे, आप रोटी बनी हुई है, मैं भी खाता हूँ, तू भी खा ले, और विश्रम देना लगा देता हूँ, यहीं आराम कर, सुबह दिन चढ़ेगा तो चले जाना। कहते ठीक है, रह तो गया, जब रोटी खाने लगा तो मन में आया, ओ हो मैंने तो इनसे पूछा ही नहीं कि आप गंगा स्नान करने जाते हो कि नहीं। कहते हो नहीं सकता, गंगा के नजदीक रहते हैं, जरूर जाते होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, जो गंगा के किनारे रहते हैं वो नहाते नहीं है, वो कहते आज नहीं कल नहाएंगे, कल नहीं परसों नहाएंगे, गंगा भी सूख रही है, हमारे पास ही तो है, वो नहीं नहाते। उसने मन में सोचा कि नहीं संतों में ये संशय नहीं करना चाहिए, वो जरूर जाते होंगे गंगा। फिर भी उसने पूछ लिया, सुबह दिन हुआ उदय हुआ तो कहने लगे महात्मा जी मैं गंगा स्नान करने आया था और इससे ऊंट दिशा में मेरा घर है, लेकिन मैं घर का रास्ता भूल गया, आप मेरे को बता सकते हैं। कहते बेटे हम तो कभी गंगा पे गए नहीं, पता नहीं गंगा किस साइड में है, मैं आपको चारों दिशा बता देता हूँ। कहते ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये देख लो आपका, आपने किधर को जाना है। मैं तो बहुत गलती कर दिया इन संतों के पास आकर, मैंने तो शायद रोज गंगा स्नान करते हो, फिर इनको तो ये भी पता कि गंगा किस साइड में है, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। वापस आ गया, वापस आए तो रास्ते में क्या देखता है, तीन गौएं हैं वहां से निकल रही हैं, शाम रंग की खूब चमकीला रंग है गौओं का, देख के हैरान हो रहा है कि सांवला रंग तो होता है लेकिन अजीब तरह की गौएं हैं, टाइम पे लेट तो नहीं हो रहे। कहते अजीब तरह का सांवला रंग है। उन जब वापस आई ना तो उनसे पूछने लगे, कहते पहले ये बताओ माता देवी आप कौन हो। कहते मैं गंगा हूँ, ये जमुना है, ये सरस्वती है। कहते आपके एक ना सांवला रंग मैं देखा, वो संतों का चरण सरोवर है ना कुटिया के पास, वहाँ पर आप गए हैं रुकी हम जाने, इस वक्त आप गए हो तो आपका सांवला रंग था, अब आए हो तो आपका रंग दूजा सा उज्ज्वल हो गया, ये कैसे। वो कहने लगे बात ये है कि पापी लोग मेरे में स्नान करने आते हैं, वो अपने पाप मेरे में छोड़ जाते हैं, वो तो पवित्र हो जाते हैं लेकिन उनके पापों से मेरा रंग काला हो जाता है, इन्हों का रंग काला था गंगा जमुना सरस्वती। तो फिर क्या होता है, हम संतों के चरण सरोवर पे जहाँ संत स्नान करते हैं, संतों की कुटिया के पास सरोवर था, वहाँ जाकर हम लुकियाँ लगाते हैं, हम अपनी भूल बख्शाते हैं, तो क्या होता है सतगुरु के चरणों के चरणामृत में स्नान करने से हमारा रंग जो है दूध जैसे उज्ज्वल हो गया, हम उन पापों से, हमने वो स्वर्ण पाप संतों को दे दिए कि आप बख्शते रहो हमारी टेंशन खत्म। तो कहने लगे, कहते वो धोत है संसार सब गंगा माही पाप, पावन सतगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप। कहने लगे मैं तो ऐसे ही गलती में इतनी जिंदगी बिता दी कि मैं हरिद्वार में जाता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, पवित्र हो जाता हूँ, गंगा मैया तो मुझे संतों के चरण सरोवर में आकर अपने आप को पवित्र करती है। इसलिए गुरुमुखों की इस चीज़ का ज्ञान होता है, वो भक्त को विकार नहीं करते, वो शास्त्रों को विकार नहीं करते, शुभ काम कर्म में लगाते हैं, संतों के सत्संग में लगाते हैं, पांच संतों की सेवा में लगाते हैं, किसी बात से घर में आकर खुशी बहुत हुई, भैया के प्यार देखकर महाराज जी के प्यार जो दीवाने हैं उनके घर का माहौल अलग ही होता है। इसी बात से मैं वाणी को विराम देती हूँ।